नमस्कार, मैं शरद जनसन देश टाइम से आपका स्वागत करता हूं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, लोगों का रुझान राजनीतिक पार्टियों की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पे रमेश मौर्य जी, जो गोरखपुर से व्यापारी वर्ग से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जन अधिकार पार्टी का दामन थामा है। आइए जानते हैं कि वो उनकी क्या विचारधाराएं हैं और जन अधिकार पार्टी में शामिल होने के बाद में वो किस तरह से अपनी विचारधाराओं को जन अधिकार पार्टी के साथ में जोड़ते हुए आगे ले जाएंगे। रमेश मौर्य चौरी चौरा विधानसभा से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, और क्योंकि वहां पे लोगों को बड़ी समस्याएं हैं, तो इसके पहले जो है भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ पहले के जो विधायिका थी, वहाँ के लोगों को मतलब ना तो कोई सुविधा प्राप्त करा पाई, ना तो मतलब ठीक ठाक से देख रेख कर पाई। इसलिए हम वहाँ से विधानसभा की तैयारी करना चाहते हैं और मेहनत लगन से जन अधिकार पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जैसा है कि इन्होंने कहा कि बीजेपी ने उस क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया, इसीलिए उन्होंने इनको लगा कि जन अधिकार पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका दामन अगर थामा जाए तो उस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। आइए हम जानते हैं ज्ञान प्रकाश मौर्य जी से, जो कि जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और पूर्व राज्य सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि रमेश मौर्य जी, जैसा कि पार्टी में शामिल हो रहे हैं, अब आपकी आगे की रणनीतियां क्या होंगी गोरखपुर से लेकर? धन्यवाद। जैसा कि आज रमेश जी जो कि गोरखपुर जनपद से हैं, उन्होंने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के विचारों तथा जन अधिकार पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर आज जन अधिकार पार्टी में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, और इसलिए उनका जो है जन अधिकार पार्टी बहुत बहुत स्वागत करती है। निश्चित ही है कि रमेश जी के आने से जन अधिकार पार्टी का कारवां आगे बढ़ेगा, और जैसा कि जन अधिकार पार्टी की मंशा है कि समूचा शोषित वंचित तबका एक साथ मिलकर आगे की रणनीति लड़ाई लड़े और देश में तथा प्रदेश में भाजपा वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि हर मुद्दे पर फेल हो रही है, और इसलिए सारे लोगों की रुझान जन अधिकार पार्टी के साथ है। और इन्हीं बातों के साथ पुनः रमेश जी का मैं स्वागत करता हूं, उनके सभी समर्थकों का मैं स्वागत करता हूं। जन अधिकार पार्टी की ओर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आपने सुना कि आज रमेश जी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में जन अधिकार पार्टी का दामन थामा है और जन अधिकार पार्टी के साथ में मिलकर वो गरीब मजदूर कमजोरों के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अब जो चुनाव जो विधानसभा के नजदीक ही आते जा रहे हैं, अब देखना होगा कि क्षेत्र का विकास किस तरह से होता है। हमारे बगल में एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा है जो कि समाजवादी पार्टी से विधानसभा सदर देवरिया सदर से थे, और उन्होंने समाजवादी पार्टी का को छोड़कर आज जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो आइए जानते हैं उन्होंने समाजवादी छोड़कर जन अधिकार पार्टी को का दामन क्यों थामा, क्या कारण रहा? समाजवादी पार्टी छोड़ने का कारण रहा मेरा कि वहाँ सबको हक और अधिकार नहीं मिलता है, और यहाँ जो जन अधिकार पार्टी में शोषित वंचित दलित पिछड़े अति पिछड़े अल्पसंख्यक सबके समान अधिकार की बात हो रही है, तो हमने कहा कि क्यों ना जन अधिकार पार्टी को ज्वाइन करके अपने लोगों को जोड़ा जाए, और सारी सामाजिक संगठनों के लोग बहुत तेजी से जन अधिकार पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जो भागीदारी संकल्प मोर्चा एक बहुत बड़ा संगठन उत्तर प्रदेश में 10 पार्टियों का जो गठबंधन हुआ है, इसमें काफ़ी मजबूती दिख रही है। तो हमने सपा छोड़ने के बाद मेरा मूड बना, मैंने आज जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ली, प्राथमिक सदस्यता ली है। तो अभी आनंद जी ने जन अधिकार पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है और अब वो जन अधिकार पार्टी के साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या रणनीतियां होंगी जन अधिकार पार्टी में आने के बाद में। जहां जन अधिकार पार्टी ने जो जिम्मेदारी देगी जिस जिले में देगी, मेरे अगल बगल देवरिया जिले के बगल में आजमगढ़ है, बलिया है, कुशीनगर है, गोरखपुर है, जहां भी मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करूंगा।
पार्टी को मजबूत बनाऊंगा, पार्टी के साथ तन मन धन से सेवा करूंगा और मैं 2022 में सरकार के रूप में देखना चाहते हैं, सरकार में हम चाहते हैं कि जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा शामिल। तो जैसा कि आपने अभी देखा सुना कि रमेश जी हो, चाहे वो आनंद जी हो, चाहे वो और भी समाज के लोग हो, चाहे वो देवरिया है, गोरखपुर है, यूपी के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आकर जन अधिकार पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना ये बहुत ही दिलचस्प होगा। जन अधिकार पार्टी जिसने भागीदारी संकल्प मोर्चा 10 पार्टियों का गठन किया है, उस पार्टियों के साथ में किस तरह से चुनावी रणनीतियों के साथ में काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।